और प्राइम नून की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। जम्मू में शांति और पुनर्निर्माण युद्ध रहित युग की शुरुआत समारोह का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अभी भी नार्को आतंकवाद जिंदा है और यहां स्थायी शांति स्थापित करने के लिए विचार करने की जरूरत है। Jammu has been transformed into India's education hub. It houses all the premier institutions like IIM, IIT, AIIMS, IIMC and Central University. The city has certain energy fields, certain mysticism and a very rich spiritual heritage. I am truly delighted to see the theme selected for Y20 consultation in Jammu, peace building and reconciliation, ushering an era of no war, and three sub-themes: one, facilitating global consensus on conflict prevention and peace building, regulating non-state actors through concerned efforts, and empowering youth for their active role in peace building. And I am sure the deliberation on these topics will generate fresh ideas, assist in future policy making and shape the discussions across the world. August 2019 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए जम्मू कश्मीर का उदय हो रहा है। इस नए जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े स्टेक होल्डर युवा हैं, जो विकास को नई दिशा प्रदान कर सकेंगे। और अगर मैं आंकड़े बताऊं तो प्रतिदिन 580 यूथ इंटरप्रेन्योर था जम्मू कश्मीर में बन रहे 580 इंटरप्रेन्योर डेली, और हर दूसरे दिन एक स्टार्टअप यहां रजिस्टर हो रहा है। पहला एफडीआई भी जम्मू कश्मीर की धरातल पर उतरा है। सही मायने में पेपरलेस फेसलेस पब्लिक सर्विस डिलीवरी स्थापित करके डिजिटल इंपावरमेंट तथा मिनिमम गवर्नमेंट की दिशा में भी हमने अच्छी प्रगति की है। बापू ने कभी कहा था कि हिंसा को प्रतिहिंसा से समाप्त नहीं किया जा सकता है, मानव जाति को केवल अहिंसा के द्वारा ही हिंसा से मुक्ति मिल सकती है। मैं Y20 के इस महत्वपूर्ण मंच से युवाओं का आह्वान करूंगा कि आपको व्यक्ति एवं देशों के बीच शांति, सामंजस्य, सहअस्तित्व, समझदारी, विश्वास एवं सहयोग बनाए रखकर सच्ची पारस्परिक निर्भरता और आपसी सम्मान पर आधारित वैश्विक समाज का निर्माण करना है। आपका हर कदम देश की डेस्टिनी भी तय करेगा और आप सभी की सामूहिक ताकत से ही देश नई तरक्की करेगा, नई ऊंचाई को प्राप्त करेगा। यह सर्वमान्य तथ्य है कि पीस बिल्डिंग और पीस कीपिंग में भारत का योगदान विश्व मानव कल्याण की प्रतिबद्धता का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भारत दुनिया के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में आज शामिल है। 1950 से लेकर आज तक भारतीय सैनिकों ने अलग अलग देशों में 49 पीस कीपिंग मिशन में हिस्सा लिए हैं। लेकिन यह भी सच है कि भारत को कई दशकों तक पड़ोसी मुल्क द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को भी झेलना पड़ा है। अगर आप जम्मू कश्मीर की तरफ देखेंगे तो पहले अनुच्छेद 370 की वजह से एक व्यवस्था ऐसी थी जो भेदभाव निर्मित करती थी। बाद में आतंकवाद की वजह से 45,000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लाखों लोग अपनी मिट्टी अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर हो गए। एक ऐसा टेरर इकोसिस्टम हावी था जिसने समाज के मनोबल को तोड़ने का काम किया। कई दशकों तक यहां समाज की आकांक्षाओं का गला घोंटा गया। आज भी नार्को टेररिज्म के माध्यम से समाज की ऊर्जा और खासतौर से युवाओं की ऊर्जा को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। आप मिल बैठकर चर्चा आज करने वाले हैं। आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि अनेक नए रास्ते, नए सुझाव आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में अगले महीने G20 की बैठक होगी।